मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा की क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या बीजेपी की एक सीट मध्य प्रदेश से कम हो सकती है? क्या खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की संसदीय सीट जा सकती है? ये सवाल एमपी सियासत में उठ रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आकाश सेन। दरअसल मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों, तो वो भी आपको बताते हैं। दरअसल खंडवा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहे एडवोकेट मनोज अग्रवाल ने जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में जो जानकारी दी गई है वो गलत है, और उन्होंने जानकारी छुपाने का आरोप भी जो है ज्ञानेश्वर पाटिल पर लगाया है। एडवोकेट मनोज अग्रवाल का कहना है कि निर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को सहकारिता आयुक्त ने डिफाल्टर घोषित किया है, और इसी के चलते उन्हें मध्य प्रदेश सहकारिता पावरलूम फेडरेशन के अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ा था, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में नहीं दी है और इसे छुपाया है, जिसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि ज्ञानेश्वर पाटिल का निर्वाचन निरस्त करते हुए चुनाव में द्वितीय नंबर पर रहे कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को विजय घोषित किया जाए। इस याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वीकार करने के साथ ही ज्ञानेश्वर पाटिल और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने रिस्पोंडेंट श्री ज्ञानेश्वर पाटिल और रिटर्निंग ऑफिसर सहित अन्य रिस्पोंडेंट्स को नोटिस के आदेश कर दिए हैं। मूल रूप से ये याचिका मैंने उनका चुनाव निरस्त करने और द्वितीय नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी श्री नरेंद्र पटेल जी को विजयी बनाने के घोषित करने के लिए ये याचिका प्रस्तुत की थी। यही मांगा था आपने? हाँ, इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर और श्री ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है, और स्पेशली मैंने इसमें अपनी पैरवी मैं स्वयं कर रहा हूँ। वहीं इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। ऐसे में देखना होगा कि हाईकोर्ट के नोटिस का क्या जवाब बीजेपी सांसद और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से आता है, क्योंकि अगर कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट का क्या निर्णय आता है। जो भी हो, फिलहाल कोर्ट के नोटिस से बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।